नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे A4 साइज का जो पेपर है उनका साइज कितना होता है। तो उसे हम प्रॉपर प्रैक्टिकली उस आपको पूरा देख के बताएंगे कैसे, जो आप मेरे पास एक स्केल है जो पूरा नाप के पूरा आपको बताएंगे, और इसे जो है इनका जो साइज है कितना लंबाई कितना चौड़ाई होता है टोटल आपको इस वीडियो पर जानकारी देंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों आपको बता रहे हैं A4 साइज का जो पेपर होता है उसी के ऊपर हम बात करेंगे। और यहाँ पे देख सकते हो ये जो साइज है A4 साइज का है, और ये हम जीरोक्स वगैरह जितने भी डॉक्यूमेंट जो जीरोक्स होते हैं A4 साइज ही अधिकतर काम में लिया जाता है। यहाँ पे देख सकते हो मेरा यहाँ पे प्रिंटर पड़ा हुआ है और यहाँ पे मेरा A4 साइज का पेपर भी यहाँ पे है। तो अगर आपको इनके लंबाई वगैरह सब कुछ पता करना हो तो यहाँ पे उसके लिए हम यहाँ पे देख सकते हो इस यहाँ पे नापने के लिए अभी हम यहाँ पे फीता रखे हैं। और अगर आप इसे अपने कंप्यूटर में अगर देखना चाहो तो वहाँ भी आपको हम चल के लेकर दिखाते हैं, और वहाँ भी आपको यहाँ पे इसका सब कुछ दिखाते हैं। यहाँ पे देख सकते हो A4 साइज का 210 × 297 ये mm है। 210 मतलब हो गया इसका चौड़ाई, 297 mm हो गया आपका इसका लंबाई। अगर इंच की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हो 8.3 इंच है इसकी चौड़ाई और 11.7 इंच है इसकी लंबाई। तो चलिए यहाँ पे प्रैक्टिकली समझते हैं कि इसका जो लंबाई चौड़ाई क्या एक्चुअल में उतना है कि नहीं है। तो यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे पहले हम यहाँ पे इस तरह रख लेते हैं, ये जो चौड़ाई जो था यहाँ पे कितना था यहाँ पे, ये देखिए 200 A4 साइज का जो यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए ये A4 साइज का 8.3 और 11.7। चलिए यहाँ पे पहले हम इसकी जो लंबाई है वो 11.7 है कि नहीं है वो देख लेते हैं। ये देखिए इस तरह रखते हैं और आखिर एक्चुअल में उतना है कि नहीं है वो पता करते हैं। तो यहाँ पे हम इस तरह रख लेंगे, ये रख दिए, ये देखिए यहाँ तक आया, ये देखिए, ये देखिए 11 पॉइंट कितना है 7 था वहाँ 11.7। तो यहाँ पे देखिए ये जो है ये जो आपको स्केल दिखाई दे रहा है ये 5 है 6 7, तो यहाँ पे 7 पे हम रखेंगे इस तरह। ये देखिए यहाँ पे हम रख दिए हैं, ये देखिए यहाँ पे 5 है 6 7, और इधर हम यहाँ पे देख सकते हो एकदम एक्चुअल यहाँ पे हो गया है। और इसके जो चौड़ाई है वो देखते हैं, चौड़ाई जो था दोस्तों बता दें कि 8.3 है। तो यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे रख दिए हैं 8, यहाँ पे देखिए पूरा 8 हो गया, और ये देखिए 1 2 3 मतलब हल्का सा उधर जाएगा यहाँ पे। तो एक्चुअल में प्रैक्टिकली यहाँ पे समझ गए इसका लंबाई चौड़ाई मतलब 11.7 इसका ये जो है लंबाई 11.7 इंच होता है और चौड़ाई जो होता है 8.3 इंच होता है और 210 × 297 होता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया वीडियो लाइक कर देना, इस तो और भी टेक्निकल वीडियो देखना चाहते हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। फिर मिलता है अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।